मुरली की तान, उठ जागरे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। ओम शांति। आज 18 जुलाई 2024 के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य, आज की मुरली के सार में बाबा ने ब्राह्मण जीवन में सदा ही उमंग उत्साह बना रहे उसके लिए कहा, बच्चों को सर्विस समाचार सुनने और पढ़ने का शौक होना चाहिए। मैगजीन पढ़ने से व सर्विस समाचार सुनने से मालूम पड़ता है कि हमारे भाई बहने कहाँ कहाँ और कौन कौन सी सेवा करते हैं, और सर्विस समाचार सुनकर दिल में भी आता है कि हम भी ऐसी सर्विस करें। बाबा कहे, जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा। कहे, जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है, सारा मदार पढ़ाई पर है। और साथ में कहा, जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर, धन दिए धन न खुटे, धारणा होती है तो वह दूसरों को भी जरूर कराएंगे। और सर्विस में सफलता पाने का आधार बताया कि जब भी हम दूसरों को समझाते हैं, बात करते हैं, तो देही अभिमानी होकर सुनाने से सफलता मिलती है, और देही अभिमानी स्थिति से ही दूसरों को तीर लगता है। इसलिए बाबा कहे, स्मृति रहे, आत्मा ही सुनती है व धारण करती है। फिर आज विशेष बाबा ने कहा कि बाबा न दुख देते हैं न सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं, फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलता है। बाबा सुख देते नहीं है, बाबा की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। फिर साथ में बाबा ने कहा कि अगर मैं सुख देता तो सबको समान सुख देता, क्योंकि बाबा के तो सभी बच्चे हैं ना, लौकिक पिता से सबको समान वर्षा मिलता है, लेकिन अलौकिक पिता के वर्षे की प्राप्ति श्रीमद के आधार से होती है। फिर कहा कि ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है, फिर कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप ने तो रास्ता बताया है, मुझ एक बाप को याद करो, जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहे, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है, यह समझ की बात है। फिर बाबा कहे, जितना समय नजदीक आता जाएगा तो देखने में आएगा बच्चे बहुत होशियार होते जाएंगे, रूहानी म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि खुलते जाएंगे। बाबा कहते, तुम्हारा नाम ही कितना न्यारा है, क्योंकि यहाँ रूहानी बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। और लास्ट में फिर बाबा ने अटेंशन दिलाया कि सर्विस करके सबूत ले आए तब समझेंगे कि सर्विस की है। इसलिए बाबा कहते हैं, लंबे चौड़े समाचार न लिखो, फलाना आने वाला है ऐसा कह कर गया, यह लिखने की दरकार नहीं है, जब समझकर सर्विस करने लग पड़े तब उनके समाचार लिखना है। बाबा कहे, कोई कोई अपना शो बहुत करते हैं, बाबा को तो हर बात में रिजल्ट चाहिए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का भी संकल्प उठता है। आज मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को सुख दे तो यह भी ठीक नहीं, लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है, बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं, जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है, पहला, किसी भी बात में बेवश नहीं होना है, स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरा, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, जरा भी देह अभिमान न आए, बाप से जो अपार सुख मिले हैं वह दूसरों को बांटने हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है,
लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैपन आ जाएगा और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। आज बाबा ने सदा सफलता पाने की विधि बताई कि दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करनी है। जो सेवा दिल से करते हैं वही वास्तव में यथार्थ सेवा है, लेकिन जब दिल और दिमाग से करते हैं तो सेवा में सदा सफलता मिलती है, क्योंकि दिमाग घूमता रहता है लेकिन दिल में छपी हुई बात सदा रहती है। आज का स्लोगन है, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 18 जुलाई का अव्यक्त इशारा है। इशारे का लक्ष्य है परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारियों पर भी उपकार करो। आज के लिए बाबा कहे, विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहना, यही है परोपकार करना। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए, ऐसे अखंड दानी बनो। आज बाबा ने अखंड दानी बनने के लिए कहा कि कोई भी आपके संबंध संपर्क में आए, लेकिन हर एक आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति जरूर करानी है, उसको कहेंगे अखंड महादानी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।